बीते एक हफ्ते से बहुत सारे SEOs, ब्लॉगर्स और वेबमास्टर्स को गूगल सर्च कॉन्सोल में होस्ट लोड एक्सीडेड नाम की एरर दिखाई दे रही है। मुझे भी आप लोगों से बहुत सारे कमेंट्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया मैसेजेस मिले हैं। आज के वीडियो में हम इसी इशू को डिटेल में जानेंगे, बात करेंगे कि इशू क्यों आ रहा है और इसे कैसे सॉल्व करना है। हेलो एवरीवन, आई एम तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम होस्ट लोड एक्सीडेड इशू को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए हमने ऐसी करीब 150 वेबसाइट्स को स्टडी किया है जिन पर ये एरर आ रहा है, और साथ ही में 400 नॉर्मल वेबसाइट्स को भी स्टडी किया है, उनके ट्रैफिक को भी, उनके भी सिम्टम्स को देखा है जिन पर ये एरर नहीं आ रहा है, और इनके बेस पर जो रिजल्ट हमें मिले हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये इशू क्यों आ रहा है। अभी इस वीडियो के शूट करने के वक्त तक गूगल की तरफ से इस बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या अपडेट नहीं आई है। नाउ हम जो भी बातें करेंगे वो हमारे अपने स्टडी के ऊपर, अपने रिसर्च के ऊपर और वेबसाइट के सिम्टम के ऊपर है। SEOs ने जो भी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, वेबमास्टर्स ने जो भी हमें एक्सेस दिए हैं उसके बेस पर है, लेकिन गूगल के अपने मन में क्या है, उनके सिस्टम के साथ में क्या चेंज हुए या अपडेट हुए हैं, ये सिर्फ गूगल को पता है। सो अगर इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद गूगल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या अपडेट आती है तो हम दूसरे वीडियो में इसे कवर करेंगे, बट तब तक के लिए हम इसी वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इशू कहाँ पर और कैसे दिखाई दे रहा है। आपको गूगल सर्च कंसोल पर जाना होगा और अपने URL इंस्पेक्शन जो ये सर्च बार है, यहां पर अपने URL को टाइप करके प्रेस करना होगा एंटर बटन। गूगल अपने इंडेक्स में से आपको URL इंस्पेक्ट करके उसकी रिपोर्ट दिखाएगा, फिर आपको टेस्ट लाइव URL बटन पर क्लिक करना है और गूगल बॉट आपकी URL को तुरंत उसी टाइम क्रॉल करके अपनी रिपोर्ट दिखाएगा। यहां पर कुछ वेबसाइट्स को इस तरह का होस्ट लोड एक्सीडेड एरर मैसेज दिखाई दे रहा है, यही है इशू। अगर आप गूगल के डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे या फिर इंटरनेट पर पुराने आर्टिकल्स, पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको इस एरर के आने के 3-4 कॉमन रीजन पता चलेंगे। नंबर एक, जब होस्टिंग सर्वर गूगल बॉट को सर्व नहीं कर पाता है, यानी कि होस्टिंग की परफॉर्मेंस खराब हो रही होती है। नंबर दो, जब आपकी होस्टिंग की बैंडविड्थ खत्म हो जाती है और होस्टिंग सर्वर और ज्यादा ट्रैफिक को सर्व नहीं कर पाता है। और नंबर तीन है, जब आप अपनी वेबसाइट के सर्च कंसोल में क्रॉल सेटिंग को इस तरह से छेड़ देते हैं, उसे चेंज कर देते हैं। नॉर्मली ये रीजन एक्यूरेट होते हैं, नॉर्मल टाइम में ये सारे रीजन सही हैं, किसी में कोई गड़बड़ नहीं है, और इन्हीं रीजन से होस्ट लोड एक्सीडेड नाम का इशू आता था। अभी तक ऐसे ही आता था, लेकिन अभी फिलहाल ये इशू ऐसी वेबसाइट्स के साथ में भी आ रहा है जिनमें ये तीनों इशू नहीं है। कई सारे लोगों ने जल्दीबाजी में अपनी वेबसाइट का होस्ट ही चेंज कर दिया लेकिन फिर भी ये इशू नहीं गया है। नाउ गूगल बॉट एक सिस्टम है जो पूरे इंटरनेट को क्रॉल करता है। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई एक नई वेबसाइट बनाता है तो गूगल बॉट अपने आप जो है वो कोई एक नई फोटोकॉपी बना देता है क्रॉलर की, जो उसी वेबसाइट को बार बार क्रॉल करने के लिए अपॉइंट होती है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि गूगल बॉट एक सेंट्रल सिस्टम है जहां से बहुत सारे बॉट्स को अलग अलग वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए टास्क दिया जाता है। गूगल बॉट सिस्टम के रिसोर्सेज लिमिटेड है और इंटरनेट बहुत बड़ा है, इसीलिए गूगल के पास एक बहुत बड़ा और पुराना डेटाबेस है उन URLs का जिनको गूगल बॉट्स को विजिट करके क्रॉल करना है। ऐसा इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ी सी लंबी सी लाइन है। गूगल बॉट जैसे जैसे इस डेटाबेस के URLs को विजिट करता है उसको और URL मिलते हैं और उन URLs को फिर से इसी डेटाबेस में डाल दिया जाता है, जिससे लाइन और भी लंबी होती जाती है। नाउ इस लाइन के अलावा गूगल के पास एक इमरजेंसी वाला दरवाजा भी है। मान लीजिए कि अगर किसी को इमरजेंसी में किसी URL को प्रोसेस कराना है तो वो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन को क्लिक करके गूगल को बताता है कि भाई इस URL को इस लंबी सी लाइन के बगल में से पतली गली से निकालकर क्रॉल करा दो, इंडेक्स करा दो। नाउ ये पतली गली, ये मेन क्रॉलिंग क्यू से अलग जो ये रास्ता है, ये गूगल ने दिया है इमरजेंसी के लिए। यही सेम रास्ता URL इंस्पेक्शन टूल के लिए भी यूज किया जाता है, बिकॉज जब आप URL इंस्पेक्शन टूल में टेस्ट लाइव URL बटन को क्लिक करते हैं तो गूगल बॉट को इमीडिएटली जाकर उस पेज को, उस वेबसाइट को विजिट करना पड़ता है। सो गूगल बॉट के रिसोर्सेज, टोटल रिसोर्सेज में से एक छोटा सा रिसोर्स निकाला जाता है और आपके उस URL को इमीडिएटली तुरंत ही विजिट किया जाता है। नॉर्मली गूगल बॉट इन सारे URLs को भी प्रोसेस कर लेता है और इमरजेंसी वाली रिक्वेस्ट को भी निपटा लेता है, लेकिन फिर भी कुछ SEOs और वेबमास्टर्स इस रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग ऑप्शन और URL इंस्पेक्शन टूल को ओवर यूज करते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी SEO कैंपेन में URL इंस्पेक्शन टूल की जरूरत रोज रोज नहीं पड़ती है और URL को रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के जरिए इंडेक्स कराने की जरूरत भी रोज रोज नहीं पड़ती है हेल्दी वेबसाइट में। अगर वेबसाइट के साथ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो साइट मैप को भी बार बार सबमिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग वाली तो मतलब
बात बहुत दूर की है। हमारे पास 3 मिलियन 4 मिलियन 10 मिलियन पेजेस की वेबसाइट्स हैं जिनमें मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कब साइट मैप को जाकर देखा भी था। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग या यूआरएल इंस्पेक्शन बहुत दूर की बात है। यूआरएल इंस्पेक्शन कभी कभार कुछ चीज़ों के लिए डायग्नोस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसे रोज रोज बार बार यूज़ करना होता है। अगर आपको बार बार रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन की जरूरत पड़ रही है या फिर आपको बार बार जो है साइट मैप को सबमिट कराना पड़ता है हर पेज को इंडेक्स कराने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट के साथ में टेक्निकल प्रॉब्लम है, या फिर दूसरा है कि आप आदत से मजबूर हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जरूरत नहीं लेकिन हमारे मन के अंदर विश्वास बैठा हुआ है कि जब तक हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन को नहीं दबाएंगे तब तक वेबसाइट का वो जो पेज है वो इंडेक्स नहीं होगा। ये डर है, ये खराब आदत है जिसे हटाने की जरूरत है। टेक्निकल एसईओ को अगर सीखेंगे नहीं तो ये सारी चीजें आपको पता नहीं लग पाएंगी, बट अगर वेबसाइट हेल्दी है तो साइट मैप एक बार आपने सबमिट कर दिया वो अपने आप गूगल आदत के हिसाब से अपने सूटेबल टाइम के हिसाब से बार बार विजिट करता है और उसके बाद क्रॉल करके इंडेक्स भी कर लेता है। अब ये सूटेबल टाइम क्या होता है ये आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट कितना अच्छा डालते हैं और कितना रेगुलरली डालते हैं, इसीलिए जब भी कोई नया ब्लॉगर हमसे पूछता है कि हमें वेबसाइट पर कितना कॉन्टेंट डालना चाहिए तो मैं हमेशा एडवाइस यही देता हूँ, कई सारे वीडियोज मैंने रिपीट किया हुआ है कि अपने कॉन्टेंट के लिए एक शेड्यूल बना लीजिए। अगर आपको एक वीक में 10 पोस्ट डालनी तो आप दिन डिसाइड कर लीजिए किस दिन 2 डालेंगे किस दिन 1-1 पोस्ट डालेंगे, लेकिन वो डे और टाइम सेट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि एक बार आपने 10 पोस्ट लिखी तो एक दिन में 10 पोस्ट डाल दी, इसके बाद एक हफ्ते तक कुछ नहीं गया। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के बारे में गूगल बॉट को पता लग जाएगा कि भाई इस वेबसाइट पर रेगुलरली कंटेंट अपलोड होता है, इस वेबसाइट पर कंटेंट हफ्ते में एक बार होता है, इसमें महीने में एक बार होता है, और गूगल बॉट उसी के बेस पर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने का अपना खुद का शेड्यूल बना लेगा। आपकी वेबसाइट बार बार अपने आप क्रॉल होती रहेगी और इंडेक्स होती रहेगी, कहीं कोई इशू नहीं आता है। इस वीडियो के लिए जो हमने स्टडी किया है उसमें हमने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स को भी चेक किया जिन पर ये इशू नहीं आ रहा है। इन ब्लॉग्स पर 10 मिलियन 15 मिलियन तक का ट्रैफिक है, उनका जो क्रॉल है वो एकदम हेल्दी चल रहा है, गूगल बॉट आराम से क्रॉल कर रहा है, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा है। ये बिजनेस वेबसाइट्स नहीं है, ब्लॉग्स हैं जिन पर कंटेंट डेली पब्लिश किया जा रहा है। सो ऐसा नहीं है कि हर ब्लॉग के साथ में इशू आ रहा है, या फिर अगर अभी आपके ब्लॉग के साथ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है आगे आ जाए। अभी राइट नाउ इस वक्त जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक ये इशू सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स के साथ में ज्यादा आ रहा है जो यूआरएल इंस्पेक्शन या साइट मैप को बार बार सबमिट करने या फिर जो जितने भी इमरजेंसी क्रॉल रिलेटेड ऑप्शन है उनको ओवर यूज कर रहे हैं। जॉन म्यूलर के अपने स्टेटमेंट के हिसाब से गूगल बॉट का जो नॉर्मल इंडेक्सिंग या क्रॉलिंग का सिस्टम है वो सही काम कर रहा है, जो इमरजेंसी वाले ऑप्शन है इनमें कुछ हो सकता है, अगर कोई ज्यादा ओवर यूज कर रहा है तो उसको गूगल बॉट क्रॉल करने से मना कर रहा है। नाउ यहां पर जो होस्ट लोड एक्सीड का इशू दिखा रहा है ये अपने आप में मैसेज कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आपकी होस्टिंग के साथ में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गूगल बॉट क्रॉल नहीं कर पा रहा है। इस वीडियो के लिए जितनी भी स्टडी हमने की है उसमें जो फाइंडिंग्स मिली है उसके हिसाब से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि गूगल के जो नॉर्मल क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं है, कहीं पर कोई भी बग नहीं, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिन वेबसाइट्स पर ये इशू दिखाई दे रहा है उन वेबसाइट की भी रैंक या ट्रैफिक पर कहीं भी कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखाई दिया है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जो इकलौता चेंज है, जो प्रॉब्लम है वो है सिर्फ कि जब आप इमरजेंसी इंडेक्सिंग वाले ऑप्शन को यूज कर रहे हैं या फिर जब आप गूगल बॉट को जबरदस्ती इमरजेंसी में काम दे रहे हैं, जब आप यूआरएल इंस्पेक्शन टूल को यूज करते हैं बार बार, तो बेसिकली आप गूगल बॉट को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अभी अपना सारा काम छोड़ छाड़ के पहले मेरी इस पेज को जाकर विजिट करो, या जब आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग टूल को यूज करते हैं बार बार, इस बटन को बार बार क्लिक करते हैं, तो आप गूगल बॉट को बोल रहे हैं कि भाई अपना नॉर्मल काम छोड़ छाड़ के पहले जाकर मेरे इस यूआरएल को जाकर विजिट करके देखो। आई थिंक गूगल बॉट कहीं ना कहीं इस इमरजेंसी वाली रिक्वेस्ट को ऑनर नहीं कर रहा है, उसको फॉलो करने से मना कर रहा है, और बिकॉज गूगल के पास अभी राइट नाउ कोई भी ऐसा ऑफिशियल मैसेज नहीं है जिसे वो यूज कर सकें कि गूगल बॉट आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर रहा है, इसीलिए वो होस्ट लोड एक्सीडेड मैसेज दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आखिर आपकी होस्टिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है, मे बी आपकी अपनी वेबसाइट के साथ में प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं ये अपने गूगल बॉट के खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज है जहां पर वो इमरजेंसी क्रॉल या फिर इमरजेंसी इंडेक्स की इस रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं कर रहा है, उसे कुछ वेबसाइट्स के लिए डिसअलाउ कर रहा है, और ये उन्हीं वेबसाइट्स के साथ में ज़्यादा इशू आ रहा है जो इसे ओवर यूज़ कर रही है। नाउ इसका एक और हिंट मिलता है 17 मई 2023 में हुए एक छोटे से चेंज के बारे में। 17 मई से पहले गूगल बॉट, जो नॉर्मल गूगल बॉट होता है चाहे वो स्मार्टफोन हो या डेस्कटॉप हो, यही दोनों नॉर्मल गूगल की इंडेक्सिंग को भी हैंडल करते थे और यूआरएल इंस्पेक्शन या फिर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग वाले ऑप्शंस को भी वही बॉट
सेम बॉट यूज़ करते थे और उसी को कंप्लीट करते थे। बट 17th मे को गूगल ने गूगल इंस्पेक्शन टूल नाम का एक नया बॉट रिलीज़ किया था जो गूगल बॉट से अलग हटकर गूगल सर्च कंसोल की सारे के सारे काम को हैंडल करता है। इस नए बॉट के सारे रिसोर्सेज सेम है गूगल बॉट जैसे ही, बट ये गूगल इंस्पेक्शन टूल नाम का बॉट ही आपकी URL इंस्पेक्शन टूल या फिर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग वाला जो ये बटन है, जितने भी इमरजेंसी वाले काम है इनको हैंडल करता है। सो ऐसा पॉसिबल है कि गूगल ने इस गूगल इंस्पेक्शन टूल नाम के बॉट के ऊपर कुछ अपने आप में एक लिमिट लगा रखी है। सो जो वेबसाइट्स इन URL इंस्पेक्शन टूल या फिर इस रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग नाम के बटन को ओवर यूज कर रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट को गूगल लिमिट कर रहा है। जो भी वेबसाइट्स इन दोनों टूल को बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रही है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हो रही है, उन वेबसाइट्स पर ऐसा इशू नहीं देखने को मिला है। हमारी ऐसी सैकड़ों वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम हैंडल कर रहे हैं और किसी पर भी ये होस्ट लोड एक्सीडेड नाम का इशू नहीं दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर आप चाहते हो कि आपके अपने गूगल सर्च कंसोल में ये इशू ना दिखाई दे, तो आपको अपनी टेक्निकल साइट को थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को टेक्निकली सही करना पड़ेगा और अपनी खुद की हैबिट्स सही करनी पड़ेंगी। एज ब्लॉगर एज SEO आपको गूगल सर्च कंसोल में जाकर बार बार दिन भर URL इंस्पेक्शन टूल या फिर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग वाले बटन को दबाने की जरूरत नहीं है। अगर अभी राइट नाउ आपकी वेबसाइट पर इशू आ रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को इफेक्ट नहीं करेगा। आपकी वेबसाइट का जो क्रॉलिंग है इंडेक्सिंग है वो एकदम नॉर्मल चल रही है, कहीं पर कोई भी इशू नहीं आ रहा है। हमने 150 वेबसाइट चेक करी है, किसी में कहीं पर भी किसी भी टाइप का परफॉर्मेंस में कोई भी डिग्रेडिंग नहीं है। अगर आप श्योर नहीं है कि आपका कोई एक पेज इंडेक्स है या नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल सिंपल ट्रिक। मैं साइट कॉलन वाली ट्रिक नहीं बताऊंगा, बिकॉज साइट कॉलन अपने आप में उतना 100% रिलायबल नहीं है। यस इट इज ट्रू, अगर आप साइट कॉलन करके किसी भी URL को चेक कर रहे हैं और वो आपको इंडेक्स दिखा रहा है या नहीं, नॉन इंडेक्स दिखा रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आप 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज वो अपने आप में सिर्फ एक सैंपल URLs को निकाल के दिखाता है। अगर आप श्योर होना चाहते हैं कि आपका URL सही में अपने आप में इंडेक्स है या नहीं है, तो उसका सिंपल तरीका है कि आप उस URL को विजिट करिए, उस पेज पर किसी एक ऐसे टेक्स्ट पीस को ढूंढिए जो कि यूनिक है, जो किसी भी और वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, आपकी वेबसाइट पर कहीं और नहीं हो, कोई भी एक नॉर्मल यूनिक लाइन निकाल सकते हैं और उसको गूगल सर्च पर डबल कोट मार्क्स के अंदर पेस्ट करके इसके बाद सर्च करिए। अगर आपको अपना पेज दोबारा पलटकर मिलता है सर्च रिजल्ट्स में, तो इसका मतलब है कि आपका URL इंडेक्स है, अदरवाइज नहीं इंडेक्स है। तो साइट क्वेरी के ऊपर डिपेंड करिए, अगर आपको 100% एक्यूरेटली श्योर होना है कि आपका URL इंडेक्स है या नहीं है, तो इस ट्रिक को यूज करिए, अपने पेज पर मिले हुए किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को, यूनिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को कॉपी करिए और डबल कोट मार्क्स के अंदर डालकर उसे गूगल पर सर्च करिए। अगर आपका URL आ जाता है तो इंडेक्स है, नहीं आता है तो दोबारा ट्राई करिए। बट URL इंस्पेक्शन टूल और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन को बार बार नहीं दबाना है, ओवर यूज करना बंद करिए, टेक्निकल साइट को स्ट्रांग करिए, SEO बहुत जरूरी है। खामखामे इधर उधर की चीजों, इधर उधर की सेटिंग्स के पीछे या ट्रिक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चिल करिए, कोई गड़बड़ नहीं है, शांति रखिए। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amittiwari.net and I will see you next time. Take care.